ज्योतिष आचार्य जी, कितने सालों के बाद सूर्य और राहु की युति होने जा रही है और किस राशि में युति होने जा रही है, इससे किन राशि वालों के लिए सावधान रहने की जरूरत है और क्या योग बन रहा है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 25 वर्षों के बाद 25 वर्षों के बाद 14 मार्च को राहु और सूर्य की युति मीन राशि पर बन रही है। तो राहु और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो ग्रहण का योग बनता है। जिस प्रकार की ग्रहण काल में सूर्य, चंद्रमा और राहु बराबर होता है, तो एक ही राशि पर सूर्य और राहु विराजमान हो रहे हैं मीन राशि पर, तो इससे जो है सीधा नकारात्मक प्रभाव तीन राशि के ऊपर पड़ रहा है। एक महीना तक, जब तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे, तो तीन राशि वाले को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि तीन राशि वाले सावधानी नहीं बरतेंगे तो नुकसान हो सकता है, जैसे कि चोट चपेट की संभावना है, एक्सीडेंट का योग बन रहा है, आर्थिक क्षति होगी, व्यवसाय में नुकसान होगा एवं पारिवारिक कलह होने वाला है। तो कुंभ, सिंह और तुला, ये तीन राशि को सावधान रहने की आवश्यकता है जब तक सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो इन्हें विशेष रूप से हानि या कष्ट उठाना पड़ सकता है, इसलिए तीन राशि वाले विशेष रूप से सावधान रहें और सावधानी के साथ भगवान सूर्य की आराधना करते रहें। सूर्य की आराधना करने से कष्ट में कुछ कमी हो सकती है, इसलिए एक माह तक ये तीन राशि वाले विशेष रूप से सूर्य भगवान को लाल फूल जल में डाल करके अर्घ प्रदान करते रहें तो शांति होगी।